बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में यूनिट 10, क्लास 10th का यूनिट 10 है, उसमें हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं रिपल टैंक। स्टूडेंट, इसमें हम रिपल टैंक क्या होता है, किस तरह का होता है, इसकी वर्किंग किस तरह की होती है, ये किस काम आता है, आज के हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिपल टैंक होता है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट, रिपल टैंक एक स्ट्रक्चर होता है, एक मशीन टाइप होती है और ये बहुत सिंपल होती है। और जो रिपल टैंक होता है, ये यूज़ किया जाता है वाटर वेव को जनरेट करना, और वाटर वेव जो जनरेट हो चुकी है उस वाटर वेव को, उसके करैक्टरिस्ट को स्टडी करना, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन लेकर उसको स्टडी करना। तो हम कहेंगे एक रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टडी एंड जनरेट वाटर वेव्स, ठीक हो गया, जो वाटर वेव्स को जनरेट करने और उन वेव्स को स्टडी करने में यूज़ होता है, उसको हम बोल देते हैं वो रिपल टैंक होता है। अब आप देखते हैं रिपल टैंक होता किस तरह का है। तो स्टूडेंट, ये एक रिपल टैंक मशीन है जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। तो इसमें देखें कि इसमें एक ट्रे है, और उस ट्रे, वो एक शीशे की ट्रे बनी हुई है, और इसके ऊपर हमने एक पैडल फिक्स किया हुआ है, लकड़ी का वुडन का पैडल है, और वो पैडल फिक्स है एक मोटर के साथ, और देख ले मोटर, फिर उसके बाद स्विच के साथ है, और एक हमने इलेक्ट्रिक बल्ब ऊपर लगा रखा है, और सबसे नीचे अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हमने एक फोटोग्राफर फिल्म रखी हुई है, एक एक्सरे फिल्म हमने रखी हुई है। उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए, जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो पैडल, जो वुडन पैडल है, वो वाटर की सरफेस के साथ टच होता है, जिसकी वजह से उस वाटर में, वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वाटर डिस्टर्ब होगा उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब उनकी वेव जब प्रोड्यूस होती हैं, तो ऊपर हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है, उस बल्ब की वजह से रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, जो नीचे पड़ी हुई हमने एक्सरे फिल्म रखी है उसके ऊपर, तो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनका रिफ्लेक्शन उस फिल्म के ऊपर पड़ेगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि ये जो इस वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, इसके क्या क्या, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या है। सो स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हमारा करैक्टरिस्टिक्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होता, रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्शन निकला है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मेरे पास एक टेनिस बॉल है, उसको मैं वॉल के ऊपर थ्रो करता हूँ, थ्रो करने के बाद वो बॉल वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। अब एक वॉल है, वो एक अदर मीडियम है, और एक एयर है जिस एयर से उसको निकाल कर फेंका जाए, दो मीडियम है। तो जब एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर जाती है, स्ट्राइक करती है, बाउंस बैक होती है इनटू फर्स्ट मीडियम, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात हो रही है रिफ्लेक्शन वाटर वेव्स की, मतलब जब वाटर वेव्स दूसरी बाउंड्री से टकराएगी और वापस अपनी पहली मीडियम में आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम यूँ कहेंगे, द फिनोमेना या द प्रोसेस इन विच, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन विच वेव्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम एंड बाउंस बैक इनटू इट्स फर्स्ट मीडियम, इसको हम बोल देंगे, वो हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। अब रिफ्लेक्शन में हम एक डायग्राम छोटी सी बना लेते हैं, तो आप ये ज़रा गौर से देखिएगा। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक वॉल है या ये अर्थ है, आप ये सपोज कर लें। ऊपर से हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, ये ज़मीन या वॉल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये इसे टकराता है, टकराकर उसी एंगल पर वो वापस अपने पहले वाले मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, टर्न हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट, इसमें एक हम नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल जो होता है, ये इस सर्फिस, जो ये वाली सर्फिस हमने ड्रॉ किया नीचे वाली, इस सर्फिस के ऊपर नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पर होता है। स्टूडेंट, इसमें दो तरह की वेव्स अब हमें नज़र आ रही हैं, एक वो वाली वेव है, वेव बोलें या रेज बोलें, बात एक ही है, जो कि इंसिडेंट है, ये वाले, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे।
और जो रिफ्लेक्शन के बाद हमें मिलती है उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास रेज होती हैं, एक इंसिडेंट रे एक रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट रेज होती है उसको हम लिखते हैं आई के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसको हम लिखते हैं आर के साथ। ठीक हो गया, अब ये देखें एंगल भी इनका बनेगा एक इस नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ और रिफ्रैक्टेड का भी नॉर्मल के साथ बनेगा। अब जो इसका एंगल बनेगा उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और जो ये वाला एंगल बनेगा इस रिफ्रैक्टेड रे का उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दो तरह के एंगल बनेंगे। एक और चीज़ याद रखें आप कि रिफ्लेक्शन वाले केस में हमेशा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा, यानी कि साइन यानी कि आई एंगल इज इक्वल टू आर एंगल होगा, यानी कि वो वाला एंगल जो इंसिडेंट रे बनाएगी और वो वाला एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी दोनों इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट इस फिनोमेना को समझने के लिए कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है वो लोग जो स्नोकर खेलते हैं, स्नोकर खेलते हुए अगर आपने किसी को देखा है या अगर आप खुद स्नोकर खेलते हो तो आप इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मैं सपोज कर लेता हूँ, चले मैं यहाँ पर सपोज करते हैं कि आपकी ये है की बॉल आपकी है। ठीक हो गया, और यहाँ पर एक और बॉल पड़ी हुई है, एक क्वीन पड़ी हुई है, उसको आपने पॉकेट इन करना है। मैं बोल दो ये क्वीन है। ठीक हो गया, इसको आपने पॉकेट इन करना है। तो सुन अगर बीच में यहां पर कोई एक और बॉल आ जाती है इस तरह से, तो अब आप इस बॉल के जरिए डायरेक्ट इसको हिट नहीं कर सकते, ऐसे ही तो इसको हिट करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा। अब ये एक बॉर्डर ये होता है फिर एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक हो गया, तो आपने क्या करते हैं कि इस बॉल को आप इस बॉर्डर के साथ स्ट्राइक करवाते हैं पहले। ठीक हो गया, इस तरह से फिर ये स्ट्राइक होता है, फिर ये इस तरफ जाता है और आप इसको टच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, ये अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये हमारे पास होगा इंसिडेंट और ये हमारे पास होगा रिफ्रैक्टेड। तो स्टूडेंट जितना इंसिडेंट एंगल रखेंगे उतना ही रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, तो इस तरह हम एक बॉल को एक बॉल से बचाते हुए तीसरी बॉल को हम टच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल होती है रिफ्लेक्शन की। हमारे पास है सेकंड वाली, हमारे पास है सेकंड टर्म है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट इससे पहले जब हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन यानी कि टकराना और वापस अपने ही मीडियम में ना उसको बोलता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो इस वाले केस में क्या होता है, मैं पहले एग्जांपल करता हूँ इसकी डायग्राम की हेल्प से। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है एक, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये एक बाउंड्री है, तो एक तरफ से एक वेव आती है, रे आती है, टकराती है। अब इसने चूँकि सीधे जाना है लेकिन ये इस बाउंड्री की वजह से, अदर मीडियम की वजह से, ये चूँकि अपने किसी एंगल पर ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि ये अपने असल पाथ से हट जाती है, एंटर हो जाती है दूसरे मीडियम में। लेकिन पहले वाले केस में क्या था कि एंटर नहीं होती, लेकिन इस वाले केस में एंटर हो जाती है दूसरे मीडियम में लेकिन अपने किसी एंगल से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा हट जाती है अपनी लाइन से, अपनी पास से हट जाती है। तो ये वो वाला प्रोसेस जिसमें एक रे, इंसिडेंट रे आती है दूसरे मीडियम में, एंटर होती है लेकिन अपने एंगल से हट जाती है, अपने पाथ से हट जाती है, कोई एंगल बना देती है, उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टेड, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो वो वाला प्रोसेस इन विच द इंसिडेंट रे एंटर इनटू सेकंड मीडियम या अदर मीडियम, एक ही बात है, एंड बेंड ऑन सम एंगल, और वो किसी एंगल पर बेंड हो जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया, इस वाले केस में हमारे पास जो नॉर्मल के साथ बनेगा ये वो वाला, और ये इस तरह से ये हमारे पास नॉर्मल है, इसमें मैं दोनों तरफ नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा ये इंसिडेंट एंगल होगा और ये वाला जो होगा ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा।
ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारे पास रिफ्रैक्शन था। अब हमारे पास है, के बाद हमारे पास आई ये थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, थर्ड हमारे पास ये करैक्टरिस्ट है डायफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट डायफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। तो स्टूडेंट सॉरी इसकी एग्जांपल पर जाते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये देखा होगा कि सिटी के अंदर आजकल काफ़ी शॉप्स पर ना एक लेज़र लाइट लगी होती है, बीम लाइट लगी होती है ग्रीन कलर की या रेड कलर की। तो जिस शॉप से वो जनरेट हो रही होती है, निकल रही होती है, वहाँ पर बहुत थिन होती है, बारीक होती है, पतली होती है, लेकिन वो दूर तक जा रही होती है। और जहाँ पर वो आहिस्ता सा दूर चलते जाए उसको देखते जाए एंड पॉइंट पर पहुँच कर ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसका डायमीटर बहुत बढ़ जाता है। तो ये एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन की, यानी कि एक वेव आई और वो आगे जैसे जाकर वो डिस्पर्स होगी, वो फैल गई, ठीक है, वो आगे डिफरेंट वो उसकी डायरेक्शन उसकी होगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी डिफ्रैक्शन की। इसकी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक मकान है, उसके वॉल में एक सुराख है, मकान उस कमरे के अंदर एक बल्ब ऑन है, रात को आप देखेंगे तो बल्ब की जो लेज़र जो लाइट होगी, जो रेज होंगी, वेव्स रेज होंगी, वो बाहर निकल रही होंगी, ठीक है। और होल के करीब से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ना बारीक रेज होगी, लेकिन जब हम उसको एंड पर देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो हमें वहाँ से मोटी रेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो रेज है वो पहले थिन होती है, बाद में वो थिक हो जाती है, वो डायफ्रैक्शन का उसमें प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास उसकी एग्जाम्पल थी। अब हम इसको डायग्राम की वजह से करते हैं, इसकी पहले हम डेफिनेशन करते हैं, और वो हमारे पास है द प्रोसेस इन विच, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इन विच द वेव की बात कर रहे हैं या रे की बात कर, क्योंकि हम यहाँ पर वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं पर वेव ही लिखूँगा, इन विच द वेव डिस्पर्स व्हेन पास थ्रू स्लिट, यानी कि जब वो स्लिट मतलब छोटा सुराख जब से वहाँ से पास होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्शन का प्रोसेस होता है, उसको हम बोल देते हैं, वो हमारे पास डायफ्रैक्शन होता है। और स्टूडेंट इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक स्लिट है, मैं ये स्लिट बना लेता हूँ, ठीक हो गया, ये बीच में स्लिट है, यानी कि एक वॉल है, दरमियान में एक स्लिट है, और ये जो है ये मेरे पास वेव है, ठीक है, ये मेरे पास वेव है जो यहाँ से मूव कर रही है और इन्होंने इस स्लिट से पास होना है, तो क्या होगा कि यहाँ से ये बैंड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये बैंड हो जाएंगी। तो देखिए ये डिस्पर्स हो रही है, ये इसमें डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें देखिए जो वेव है वो अपने एज से बैंड हो रही है, ठीक है, तो बैंड हो जाना जब वो पास होती है एक स्लिट से, उसको हम बोल देते हैं डिफ्रैक्शन। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास कुछ यूँ है, लेकिन इस वाले केस में जो स्लिट है वो लार्ज हम बना लेते हैं, लार्ज स्लिट है, अब इसमें छोटी स्लिट है, इसमें लार्ज स्लिट है, तो इस वाले केस में ये हमारे पास है वेव्स, ठीक हो गया, जब ये वेव इनसे पास करेंगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि लार्ज स्लिट है तो डिफ्रैक्शन हमारे पास स्मॉल होगी, ठीक है, लार्ज अगर स्लिट है तो उसमें जो डिफ्रैक्शन होगी वो स्मॉल होगी, और अगर स्मॉल स्लिट है उसमें जो डिफ्रैक्शन होगी वो लार्ज होगी, यानी कि उल्टा प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी और वेवलेंथ और स्पीड के बारे में ये हम रेज कर लेते हैं, चलें। तो स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्रे है, वाटर की ट्रे है, या हम एक रिवर की बात करते हैं, रिवर तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं एक ट्रे ले लेता हूँ, ये एक ट्रे है वाटर की, इसके अंदर ये सारे का सारा वाटर है, ये सारे का सारा इसके अंदर वाटर है। तो यहाँ पर देखें जितनी डेप्थ यहाँ पर है उतनी ही डेप्थ यहाँ पर है, लेकिन अगर हम ऐसे करें कि एक साइड पर हम डेप्थ ज़्यादा रखें और दूसरी साइड पर हम डेप्थ कम कर देते हैं, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ, ये मैं बीच में कुछ चट्टान रख देता हूँ, ठीक है, क्रॉस रख देता हूँ, तो जिसकी वजह से अब इस वाले एरिया में हाइट या डेप्थ वाटर की कम हो चुकी है और इस वाले एरिया में ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये सारे इसमें रॉक है, जिस रॉक से चट्टाने हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेप्थ है वो कम हो चुकी है, ठीक है, और जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा है। तो स्टूडेंट इस तरह की जब प्रोसेस होता है, इस तरह का जब फिनोमेना होता है, तो एक चीज़ याद रखें कि जहाँ पर मैं ये पहले वेव बना देता हूँ, ये तो सुन ये याद रखें कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ये वाला सीन हो रहा होता है,
इसमें देखें जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा होती है, जहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा होती है, वहाँ पर देखें जो वेवलेंथ है वो आपको लार्ज नज़र आ रही है, वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और वो वाला एरिया जहाँ पर डेप्थ कम है वहाँ पर वेवलेंथ कम है। तो हम ये कहेंगे कि वेवलेंथ जो है, जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर ज़्यादा है, बड़ी वेवलेंथ है, और जो स्पीड होगी वाटर के मूव करने की वो भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है। इस वाले रीजन में आ जाएं जहाँ पर ये कम डेप्थ है, वहाँ पर वेवलेंथ जो होगी, ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, वेवलेंथ वहाँ पर कम हो जाती है और जो स्पीड होती है वाटर के मूव करने की वो भी कम हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं डीप रीजन, और ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं शैलो रीजन, शैलो रीजन, ठीक हो गया। यानी कि कम गहरा रीजन, ये डेप्थ वाला रीजन है और ये शैलो रीजन है। तो हम ये कहेंगे कि शैलो रीजन के अंदर जो वेवलेंथ और स्पीड दोनों कम हो जाती हैं, जबकि जो डीप रीजन होता है, डेप्थ वाला रीजन होता है, वहाँ पर वेवलेंथ और स्पीड दोनों ज़्यादा होती हैं। ये बीच में अगर हम हर्डल रख देते हो, और एक और बात याद रखनी है आपने, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, वो रिमेन सेम रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस में आता है, वेवलेंथ और स्पीड में। स्टूडेंट, ये हमारे पास था आज का टॉपिक रिपर टैंक। थैंक यू।